गुफा के अंदर आ चुका हूँ, छोटी सी गुफा बनी हुई है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, केम छो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन माइल्स व्लॉग। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो गाइज़ आज है सैटरडे और अभी टाइम हो चुका है शाम के 6, और गाइज मैं आ चुका हूँ फिर से एसजी हाईवे वाला जो फन ब्लास्ट है। तो आप सोच रहे हो कि भाई बार बार फन ब्लास्ट में क्यों आ रहा है, वैसे फन ब्लास्ट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। फन ब्लास्ट के ठीक पीछे गाइज एक स्नो पार्क बना हुआ है, बहुत ही बड़ा स्नो पार्क है जो कि अहमदाबाद का आप सबसे बड़ा स्नो पार्क बोल सकते हो। और फाइनली जो है स्नो पार्क आज ओपन हो चुका है, तो चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं, तो आज सैटरडे इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता फन ब्लास्ट में आने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है सैटरडे और संडे को। और ये आप देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ पीछे की साइड में फन ब्लास्ट के। फाइनली जब यहाँ पे मैं एक दो बार आ चुका हूँ वैसे, पर उस टाइम पे क्या है गाइस स्नो पार्क ओपन नहीं हुआ, थोड़ा कुछ काम चल रहा था, तो आज फाइनली ऑफिशियली इसका जो ओपनिंग हो चुका है। चलिए गाइस मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ स्नो पार्क के अंदर, और इसका पूरा टूर देने वाला हूँ, क्या चार्जेस है सारी डिटेल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर ज़रूर करना जिस किसी को भी स्नो पार्क के अंदर आना हो और विजिट करना हो। ये है स्नो सिटी मिलियन माइल व्लॉग, मिलियन माइल व्लॉग है मेरा, मिलियन माइल व्लॉग। सर का वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, एकदम बेस्ट। जो आपका पूरा डिटेल व्यू में जो आपने पूरा जो डिटेल से पूरा आपने दिखाया, हाँ, वो समझ के मुझे भी ऐसा इंटरेस्ट लगा कि आना चाहिए यहाँ पे। और आके जो आपने पूरा जो डिटेल बताया था एज इट इज सब वैसे ही है। वैसे आपने वीडियो कब करा था? एक अप्रोक्स 7 दिन पहले। 7 दिन मेरा ससुराल यहाँ पे है। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे आके जो मेरे बच्चे है, मेरे साले के बच्चे है, सबको मुझे कुछ एंजॉय करवाना था, तो उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रहा था, उसमें मैंने आपका जो वीडियो है वो मैंने देखा, तो मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ यस ये एकदम प्रॉपर है, यहाँ जाना ही चाहिए। और आके कल भी मैं यहाँ पे आया था, कल भी फुल मैंने एंजॉय किया, और आज भी मैं स्पेशली यहाँ पे इसके लिए आया हूँ। तो दोनों दिन मेरा जो है, मैं खुद बॉम्बे से हूँ, पर यहाँ पे अहमदाबाद में क्या नहीं था और क्या है उसके लिए मैं आपका वीडियो एकदम श्योरली देखा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा, एकदम 101%। बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं एक्चुअली एंटर हो रहा था, रास्ते में सर ने पहचान लिया और रोका कि यार आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कीजिए और अपने। यस यस यस, आइए बाद में अंदर मिलते हैं। डेफिनेटली चलेंगे सर। और यहाँ पे जो गाइस कौन कौन सी राइड है वो मैं आपको इवनिंग में बताने वाला हूँ, क्योंकि इवनिंग के अंदर यहाँ पे कुछ ज़्यादा लाइटिंग वगैरह रहती है तो और भी अच्छा रहता है, तो मैं इवनिंग में आप लोगों को इसका टूर देने वाला हूँ। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर की साइड में, और कुछ इस तरह का यहाँ पर एटमोसफेयर है, और क्या क्या डिटेल रही, कितना टेम्परेचर रहता है, माइनस कितना डिग्री होता है, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। पार्क के अंदर स्नो सिटी बोलेंगे इसे, और यहाँ पर कुछ इस तरह के गाइस सब लोग आप लोगों को दिए जाते हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह आपको पहनने पड़ते हैं क्योंकि अंदर जो है माइनस डिग्री के अंदर टेम्परेचर रहता है। चलो इसके अंदर क्या क्या है? जैकेट। अच्छा, तो देखिए गाइस आप लोग अंदर एंटर होने के लिए पहले आप लोगों को ये सारी कॉस्ट्यूम दिया जाता है, और ये है ग्लव्स हैं, शूज़ है। शूज़ की साइज़ क्या है आपकी? तो गाइस जैसे कि आप एंटर होते हो तो आप लोग यहाँ पे शूज़ दिए जाते हैं, आपका जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से आपको शूज़ दिए जाएंगे। और चेंज कहाँ पे करना है? यहीं पर सामने, इसके ऊपर ही पहना है ना अपने को? ऊपर जूते सामने काउंटर। ओके, हितेश पुरोहित। हितेश पुरोहित गाइस अभी हम लोगों को मिल चुका है कॉस्ट्यूम, और कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं और अंदर चलेंगे, क्योंकि अंदर गाइस जैसे कि भाई ने बताया यहाँ पे काउंटर पे कि -10 डिग्री देता है, तो आप लोगों को कपड़े रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसके ऊपर ही पहनना पड़ता है।
ऑफिस अभी पूरा रेडी हो चुका हूँ और एकदम ऐसा लग रहा है कि स्पेस में जा रहा हूँ। तो अभी कंप्लीट आप देख सकते हैं, रेडी हो चुका हूँ और अभी आ चुका है अपने स्नो सिटी के अंदर। और सर दरवाज़ा बोल रहे ओपन करें, इतना सारा बर्फ है, पूरे पैर इसमें धस रहे भाई, बहुत ठंडी है। और जैसे कि बाहर मुझे बताया गया कि इसके अंदर जो है -10 डिग्री है गाइस, यहाँ पे सच्ची में। और ये सारा आप बर्फ देख सकते हो, ये देखिए गाइस इतना सारा बर्फ भाई। और अभी से फेस पे एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है भाई, बहुत ठंडी है भाई, सब चीज़ में मज़ा आ रहा है। और सूस अभी से ठंडे हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है मनाली में आ गए भाई। इस तरीके की गुफा भी बनी हुई है गाइस, देखिए छोटी छोटी ऐसी गुफाएं बनी हुई है, और ये भी पूरी बर्फ से ढकी हुई है गाइस। ओ भाई पैर मेरे जम चुके यार, बहुत ठंडा है सर। और छोटा सा यहाँ पे गुफा बना हुआ है, चलिए भाई आप देख सकते हो बर्फ, इतनी सारी बर्फ है गाइस यहाँ पे। छोटे छोटे बर्ड्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे जो ठंडी में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे एनिमल्स भी है। ये रखी हुई है लोमड़ी, वो है सांप, और पेंगुइन भी रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए गाइस मैं आप लोग अभी ऊपर लेके चलता हूँ, मैं ओ भाई थोड़ा स्लिपरी है, संभाल के चढ़ना पड़ेगा। और सूज की हालत देखो गाइस भाई, ऐसे कलरफुल कॉस्ट्यूम मिलेंगे बच्चों के लिए। ये देखिए स्लाइडिंग भी कर सकते हैं बच्चे सारे, ज़्यादा ही जगह खुली गई है, बहुत ज़्यादा है, एकदम ये
चालू हो चुका है। तो भाई जैसे कि आपने देखा वहाँ पे था एंट्री और यहाँ पे है एग्जिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को 45 मिनट इसमें रुकना है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है या फिर तबीयत कुछ बिगड़ रही है तो आप एग्जिट भी हो सकते हैं। देख सकते हैं और वो सारे एयर कंडीशन से वहाँ पे जो है कंटिन्यूसली बर्फ जो है गिर रही है। मेरा मानना है यहाँ पे जो है 45 मिनट है, आप ठंडी जगह से आते हैं तो 40 मिनट यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, पर अगर आप अहमदाबाद से या फिर 40 डिग्री में आप रहते हो तो मेरा मानना है 20-30 मिनट बहुत मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि पैर वगैरह सारे जम चुके हैं मेरे भी। निकाले हैं और अभी देखिए पूरे हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं, पूरी तरीके से जम चुका है और पानी की प्यास भी लग रही है, बहुत ही ठंडा है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट यहाँ पे जो है कंप्लीट करूं। और अभी देखिए पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है, भीड़ बढ़ चुकी है। वैसे मेरा मोबाइल इसके अंदर मैं निकाल लेता पर मैंने अपने जो कपड़े उसके ऊपर मैंने ये स्नो सूट पहना हुआ है तो मोबाइल अभी मैं निकाल नहीं पाऊंगा। और आप देख सकते हो मेरे मुँह से जो है धुआं भी निकल रहा है। सिर्फ दिक्कत ये है कि थोड़े पैर जम चुके हैं, बाकी सब कम्प्लीट है। वैसे मुझे सॉक्स पहने थे पर सॉक्स निकाल लिए गए, अगर आप आते हैं तो सॉक्स जरूर पहनना। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गुफा के अंदर, जो कि छोटी मोटी गुफाएं बनी हुई है उसके अंदर भी पूरी तरीके से बर्फ जमा हुआ है, ये सारा बर्फ यहाँ पे। वैसे ये गाइस जो है गुफा है वो छोटे बच्चों के लिए बनी हुई है, अभी शायद अंदर लाइट नहीं है। आ जाओ, अंदर भी छोटी सी गुफा बनी हुई देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको बॉल से प्ले करना है तो आप बॉल से खेल भी सकते हैं। और ये है गुफा का, इस गुफा के अंदर आ चुका हूँ और अंदर डिस्को लाइट भी चल रही है अच्छे से। वैसे ही जो आ रहा है पानी के फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद ये जो है बर्फ़ बन जाएगा पूरी तरीके से। आपको
सामने आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज का मुंह के अंदर से अभी भी बर्फ चालू है, कब से गिर रही है, कम से कम 10 मिनट हो चुका है और हर 30-40 मिनट के बाद जो है उसके मुंह में से बर्फ आना स्टार्ट हो जाती है। बाहर की साइड और पूरी तरीके से जो है फॉग जम चुका है कैमरे के ऊपर भी, कैमरा भी क्लीन करना पड़ेगा। रुको भाई, फॉग जम गया पूरी तरीके से। हाँ बन गया भाई, वो पूरी तरीके से फॉग जम गया कैमरे को बस भाई। अभी दिन आ गया, अभी आपका टाइम खत्म के बाद। सबसे पहले तो मैं पहनूंगा अपने शूज क्योंकि भाई पैर सबसे ज़्यादा जमे हुए हैं। देखिए पैर पूरी तरीके से लाल हो चुके भाई, ये देखिए। ये है अभी पूरा चेंजिंग रूम है, तो वहाँ से आपको कॉस्ट्यूम मिलेंगे, एंट्री यहाँ से करना है, फिर जितना टाइम अंदर आप एंजॉय करते हो उसके बाद आपको यहाँ से एग्जिट करनी रहती है, और उसके बाद आपके जो स्नो सूट है वो पूरा आपको निकाल के इस बकेट के अंदर आपको ये जमा कर देना है, जैसे कि मैंने अपने दिया पूरी तरीके से। यहाँ पे ग्लव्स है, उसके बाद स्नो सूट है, ये स्नो शूज़ है, और फुटवेयर से चप्पल से वो सारे आपको यहाँ पे रखने हैं। चलिए बैग ले लेते अपने। थैंक यू भाई, चलो भाई भाई वॉशरूम चलेंगे गाइस। और यहाँ पे गाइस ड्रिंकिंग वाटर में, और क्योंकि अंदर गया तो -10 डिग्री जो है टेम्परेचर है, उसके बाद तो यार एकदम खतरनाक वाली सूसू लगी थी मुझे, तो अभी फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी जो मेरी वो राउंड्स थी जो कि चकडोल बोलते हैं गुजराती में, तो आधी चालू थी आधी बंद थी, अभी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है और पब्लिक भी है गाइस, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हुई है, और गो काइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो स्नो सिटी के अंदर गाइस मैंने ऑलमोस्ट स्पेंड किया 35 मिनट के अराउंड, तो 35 मिनट ज़्यादा होता है क्योंकि आधे 15-20 मिनट के अंदर ही आप लोगों के पैर जमने लगते हैं और नाक वगैरह पूरी सब जम चुका था। बहुत ही मज़ा आया वैसे, बहुत ही एंजॉय किया। और गो काइटिंग तो वाइज आप लोगों को बताइए, अपने जो पूरी तरीके से फ़ैन है गो काइटिंग के, जहाँ जहाँ भी गो काइटिंग हुई है वहाँ वहाँ मैंने गो काइटिंग की है। और ये बहुत ही बढ़िया ट्रेन, लेके चल रहा हूँ, उसके रेट्स वगैरह क्या है वो भी अपने पूछ लेते। ये रहा गाइस गो कार्टिंग सेक्शन है, सो लेट मी टेक यू टू द गो कार्टिंग। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा वेटिंग चल रहा है। अभी मैं आ चुका हूँ इस गो काइटिंग के अंदर, और यहाँ पे आगे मुझे पता चला है यहाँ पे वेटिंग चल रहा है 45 मिनट का। यहाँ पे जो है थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर आपको 300 पॉइंट आपके कट होगा, अगर आपके पास कार्ड है उसके अंदर आपके 300 पॉइंट कट होने वाले, पर आपको 6 लैप्स करने हैं, 6 लैप्स के बाद आपका रेसिंग जो है ख़त्म होने वाला है, पर अभी फिलहाल यहाँ पे वेटिंग चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम के बाद मैं आता हूँ गाइस। यहाँ पे गो कार्टिंग थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 लैप्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 6 लैप आप कितने मिनट में कंप्लीट करते हो। टॉय ट्रेन स्टार्ट हुई है तो इसका यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज, अगर आपके पास कार्ड है तो 50 रुपीज़ कट होगा, और यहाँ से पूरा आपको राउंड खिलाया जाएगा। कितने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए,
तो इसके। और ये रही गाइस स्नो पार्क की एंट्री, यहाँ पे जो है 600 है। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फन ब्लास्ट के अंदर, थोड़ा राउंड मार के आते हैं, टाइम पास करके आते हैं। और यहाँ की जो ग्रेफिटी है गाइस मुझे बहुत ही पसंद है सच्ची में। यहाँ पे पूरा जो बैक साइड बना हुआ है पूरी तरीके से ग्रेफिटी वॉल पे बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ पे जो है लोग फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, खिंचवाते भी हैं, ताकि पूरी ग्रेफिटी आप लोगों को देखने को मिल जाए पीछे की साइड में। और सामने की साइड भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वॉल ग्रेफिटी है। ट्राई टू द सी गुड थिंग्स फन ब्लास्ट। तो और आज सैटरडे है तो आप लोगों को क्राउड भी दिखा देता हूँ कितना। अपने छोटे सब्सक्राइबर मिले तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच आने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वीडियो देखते रहो, ठीक है? चलो भाई। और आ चुके हैं फन ब्लास्ट के अंदर। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं कि आपका वीडियो हम देख के आए हुए हैं और मेरा वीडियो देखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बच्चे लोग भी मिल रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग, जब मैं एंटर हुआ था गेट के अंदर तब भी मुझे बहुत सारे लोग मिले कि यार आपका वीडियो हम लोग देख के आए हुए हैं। उन्होंने फ़ोन के अंदर स्क्रीन शॉट वगैरह से बताया तो बहुत ही अच्छा लगा। इतने सारे लोग जो अपना वीडियो देख रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। ये आप लोगों को एक बार क्राउड दिखा देता हूँ। सारी गेम्स के अंदर जो है वेटिंग चल रहा है, एक भी ऐसी गेम नहीं होगी जिसमें वेटिंग ना हो, लाइन सब जगह लगी हुई है। अभी मैं आ चुका हूँ, ये है गो कार्टिंग ग्राउंड के अंदर। बहुत सारी गो कार्टिंग अभी हो चुकी है फ्री, और मैं भी ट्राई करने वाला हूँ गो कार्टिंग यहाँ पे। याद दिलाना एक बार देखता। चलिए गाइस हेलमेट पहन लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो गाइस अभी पहन लिया उन्होंने शावर के, उसके बाद कैमरा पकड़ना पड़ता है। फुल ऑन हेलमेट वगैरह पहन लिया। और कौन सी गो कार्टिंग देने वाले बटन चले गए तो प्रेस कीजिए। तो भाई अपने यहाँ पे हो चुके हैं ख़त्म 6 लैप। और आपके पास अगर कार्ड है तो उसके अंदर आपके कट हो गए 300 पॉइंट्स। चलिए भाई गो कार्टिंग हो चुकी कंप्लीट, मज़ा बहुत आया गो कार्टिंग करके। और मैं आ चुका हूँ बाहर की साइड में, आप सबने देखा बहुत ही मज़ा आया भाई स्नो पार्क के अंदर। और स्नो पार्क के अंदर आपको जाना है तो आप विजिट कर सकते हैं फन ब्लास्ट में, जो कि बना हुआ है SG हाईवे, उसके ऊपर फन ब्लास्ट का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
तो आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जो है फन ब्लास्ट का पूरा टूर चेकआउट कर सकते हैं। और रिसेंटली गो कार्टिंग और उसके अलावा स्नो सिटी पार्क भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसके चार्जेस वगैरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, और इसके अंदर जो भी पूरा टूर था मैंने आप लोगों को पूरा टूर दे दिया, उसके कुछ 600 रुपीज़ है 45 मिनट के अंदर। आप लोगों को अंदर जो है एक्सप्लोर करना है और जो भी स्लाइड्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें आपको एंजॉय करनी है। और अभी भी पैर थोड़े ठंडे, अब जाके थोड़े पैर जो है गर्म हुए भाई, बहुत ही मज़ा आया। तो आप ज़रूर से विज़िट करना, गर्मी का मौसम चल रहा है, समर चल रहा है, तो स्नो सिटी में काफ़ी सारे लोग जो है विज़िट करने, इस बहुत ही मज़ा है। अगर आप अहमदाबाद से और अहमदाबाद के बाहर से तो ज़रूर से यहाँ विज़िट कर सकते हैं। आप सबने देखा काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करना। जिस किसी को भी यहाँ पे पता है और नहीं भी पता है तो उनको चाहे नॉलेज रहेगा, और वीडियो के जरिए वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट कर पाएंगे। तो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी मज़ेदार और शानदार ब्लॉग में गाइस। I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senoritas going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad 'cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll.